अस्सलाम वालेकुम, सबको रमज़ान मुबारक। आज हमारा पांचवा व्लॉग है और ये मैं ऑफिस आ चुका हूँ और फ़िलहाल मैं लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ। 10th फ्लोर पे गई हुई है, वही नीचे आ रही है। और आप बताएं, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह आज तीसरा रोज़ है। ये हमारी ऑफिस, बाकी मैं आपको जाकर बताता हूँ कि आज क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। 3 hours later, ऐसा है कि मैं तकरीबन कोई 6वें ATM पे जा रहा हूँ और होपफुली अल्लाह ताला के घर पूरी उम्मीद है कि ये भी बंद होगा। सियालकोट कैंट में इस टाइम सारे के सारे जितने ATM हैं किसी में कैश नहीं है। अल्लाह करे इधर हो थोड़ा बहुत लिए पैसे निकलवाने के बाद। अब मैं और जाहिर जा रहे हैं किसी एक काम, आपको बताते हैं कि हम किधर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। क्यों जाहिर? जी, सियालकोट कैंट में आज हमें ATM वालों ने दलील कर दिया था वैसे, लेकिन थैंक्स टू स्टैंडर्ड चार्टर्ड हम फ्री में प्रमोशन कर रहे हैं उसकी। पहुँच चुके हैं जाहिर, मैं ये हमारे भाई हैं लिफ्ट में बैठे हुए हैं और जा रहे हैं हम अपने ऑफिस की तरफ। भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक, नहीं किया हुआ? आज करेंगे, आज करेंगे। पक्का? ये देखें, हम इस तरह चैनल सब्सक्राइब करवाने हैं वहाँ से। और ये अब हम इस टाइम पहुँच गए हैं एयर पे और अब ऑफिस पहुँच चुके हैं। बस घंटा रह गया छुट्टी होने में, तो उसके बाद फिर हम घर चले जाएंगे। काम ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है मेरा, तो बस ये है कि थोड़े से फाइल्स वगैरह को मैं देख रहा हूँ ताकि अपना काम मैं सीधा कर लूँ। और आप बताएं कि आपका रोज़ा कैसा गुजर रहा है, सहरी इफ्तार की क्या रूटीन है, आप लोगों की कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। बाकी ये है कि रोज़े तो हर साल आते हैं, सिर्फ इंसान ही नहीं रहता। आपको चाहिए कि आप रमज़ान इस तरह गुजारें कि पूरा साल आपको ये फील हो कि आप रमज़ान नहीं गुजारें। आपको हर साल पूरा साल नेकी करनी है, नमाज़ें पढ़नी, नमाज़ें खाली रमज़ान में नहीं पढ़नी, नेकी सिर्फ रमज़ान में नहीं करनी, ज़कात सिर्फ रमज़ान में नहीं देनी, पूरा साल आपने ज़कात देनी है, पूरा साल आपने नेकी करनी है, पूरा साल लोगों की मदद करनी है, अपने अंदर के अनाह को ख़त्म करें। यही रमज़ान सबक देता है कि जो आपके अंदर के अनाह है ना वो आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, ताकि एट दी एंड ऑफ द डे जब हम अल्लाह ताला से मुलाकात करें तो हमें ये कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कि हमने उस बंदे का दिल दुखाया। जिसका दिल दुखाया अपने जाकर उसे माफ़ी मांग लें। रमज़ान हमें ये सबक देता है। बाकी ये है कि छोटे मोटे मामले चलते रहते हैं इंसान में, ज़िंदगी में, इंसान में नहीं ज़िंदगी में। और आप लोग बताएं कि क्या हो रहा है, कैसे गुजरे आपके पहले दो रोज़े? आज माशाल्लाह तीसरा रोज़ है। मैं ट्राई कर रहा था कि पहले दो दिन व्लॉग बनाऊँ, लेकिन थोड़ा सा बिजी था इस वजह से मैं बना नहीं सका। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, घर पहुँच चुके हैं हम। और ये बेबी बॉय क्या कर रहे हो? बेबी बॉय, बेबी क्या कर रहे हो? ये बोरा हो गया, इसके आपको मैं दांत दिखाता हूँ, एक मिनट सब्र करो। क्या हाल है? हाथ ला दो। क्या हाल है, क्या हाल है? दांत किधर गए हैं आपके? हाँ, इधर देखो, ऐसे कर। ये इसके सारे दांत देखे टूट चुके हैं और ये उड़ा रहा है इस टाइम बलून। ये आया है अभी, ये काले, ये काले। क्या हुआ है? इंग्लिश में बात करो। ओम, क्या हाल है? सबके ठीक हैं? रमज़ान मुबारक सबको। ये हमारे गिरफ्तारी बन रही है, ये बैंगन बन रही है, ये पकौड़े हैं, ये इसका मैं नींबू बनाऊंगा, ये नहीं बन रही है,
कितने बजे आया था? हाँ, कल आप अकेले क्यों आए थे स्कूल से? वो आपका बलून उड़ गया, वो देखे बलून उड़ गया आपका। वे कल अकेले क्यों आए थे स्कूल से? मम्मा नहीं लेने आई थी। रमजान मुबारक कह दो सबको। हाँ, आपके दांत सारे चूहे ले गया। तो परी आएगी अब? कितने पैसे देगी? हाँ, 120। 120 का क्या लेकर आओगे? हाँ, कैन। हाँ, अच्छा होने में रह गए तकरीबन 10 मिनट और ये बच्चा बलून उड़ रहा है अभी तक। चल चले नीचे जाकर हम अफ्तारी करें। अफ्तारी में क्या बनाया हुआ आज आपने? हाँ, अफ्तारी में हमारे घर बन रहे हैं इस टाइम पकौड़े, दही बड़े, उसके बाद समोसे होंगे, टेंडर पॉप्स होंगे, नगेट्स होंगे। आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आपके घर क्या क्या बन रहा है। आज सबको करते हैं हम यहीं पे एंड। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़।